बिहार से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक पत्थरबाज एक्टिव हैं। निशाने पर हिंदुओं की शोभा यात्रा है। इसी बीच खबर दिल्ली से आ रही है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया है। वीएचपी ने दिल्ली पुलिस से शोभा यात्रा निकालने की इजाजत भी मांगी है, लेकिन पुलिस ने अब तक परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दो लोगों की तरफ से जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही आयोजकों को परमिशन देने से मना कर दिया। दरअसल पिछले साल भी हनुमान जयंती के दिन ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे। तो फिलहाल कैसी स्थिति है गौनिका ने आपको बताया। जहांगीरपुरी की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बाइक के जरिए भी पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर ही जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, और ऐसे में इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी तरह की कोई चूक ना हो उससे बचने के लिए चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों की तैनाती कर दी है। दरअसल पिछले साल जब दंगे हुए थे तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकली थी और वहीं पर यह बवाल हुआ था। पिछले साल जब ये शोभा यात्रा निकली तो उसमें कई लोग घायल हुए थे। जो हिंसा हुई थी उसमें पूरे इलाके में शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। यहाँ पर सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है, उस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली का वही इलाका है जहां पिछले साल हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और जिसके दौरान लगभग 9 लोग घायल भी हुए। मैं आपको दिखाता हूं वो इलाका, ये वही रोड है जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पर शोभा यात्रा उस इलाके से जो सी ब्लॉक का इलाका है वहां से निकलकर इस चौराहे तक पहुंची थी और इसी चौराहे के पास जो है उस शोभा यात्रा के ऊपर हमला हुआ, उस पर पत्थरबाजी की गई। आज सुबह दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने फ्लैग मार्च भी निकाला। एहतियातन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त जहांगीरपुरी इलाके में बढ़ा दिया गया है। ये सी ब्लॉक का वही चौराहा है जब पिछले साल जब हिंसा हुई थी तो शोभा यात्रा पर हमला भी किया गया था। इस साल भी यानी कि कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर दो हिंदू गुटों ने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी है कि वो शोभा यात्रा निकाल सके, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिलहाल परमिशन देने से मना किया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब हिंसा हुई थी उसके बाद इसी इलाके में सी ब्लॉक पर दिल्ली पुलिस की दो चौकियां जो है वो बना दी गई है। ठीक मेरे पीछे आप वो चौकी देख सकते हैं इसी चौराहे के पास जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, अब दिल्ली पुलिस की चौकी है। और उसकी मेरे दाएं तरफ भी अगर मैं अपने कैमरा पर्सन कुलदीप को कहूं देखिए सामने भी चौकी बना दी गई है। तो अलग अलग तरह की दो चौकियां जो है वो यहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस ने बना दी है। कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर दो गुटों ने परमिशन मांगी है जिसको मना कर दिया गया, लेकिन वीएचपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र गुप्ता ने आज ये कहा कि जितने भी लोग हैं, जो जितने भी हिंदू नवयुवक हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कल होने वाली शोभा यात्रा में हिस्सा लें। आज भी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखना ही होगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा पाती है। आज सुबह भी फ्लैग मार्च निकाला गया था और ये एहतियातन निकाला जा रहा है ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव रहे। पिछली बार दो गुटों में झड़प हुई थी, इधर से आती हुई शोभा यात्रा के ऊपर हमला भी किया गया था। इधर पिछली बार झड़प के बाद जो है एमसीडी का बुलडोजर तक चला था, यहाँ तक ये जो सामने बिल्डिंग से अगर आप देख सकें, इन बिल्डिंग के सामने जो अतिरिक्त जगह है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन था उसको ढहाया भी गया था और उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था और कुछ लोग कोर्ट भी पहुंचे थे। अब ये देखना होगा कि कल किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन हाँ आपको बता दें कि कल सुबह से ही यहाँ पर काफी भारी संख्या में पैरामिलिट्री के जवान होंगे, दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में फिर से खड़ा ना हो पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।